हेलो एवरीवन वेलकम टू माय क्लास आई एम तृप्ति एंड यू आर वाचिंग एनपीसी पी नीवा फिजिक्स क्लासेस सो बच्चा आप सभी को ये तो पता ही है कि इस चैनल पर आपको क्लास नाइन्थ टू क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के सारे वीडियो लेक्चर्स वन बाय वन हम प्रोवाइड करेंगे एंड यस yes, इसी वे में हमने क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर टेंथ को स्टार्ट किया था एंड यस नाउ इन दिस लेक्चर इन दिस वीडियो वे आर गोइंग टू डिस्कस सम न्यू थिंग्स फ्रॉम योर चैप्टर लाइट ओके सो फार वी हैव डिस्कस सो मैनी थिंग्स लाइक इंट्रोडक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉटकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर ओके एंड यस आल्सो वी हैव डिस्कस अबाउट द मिरर फार्मूला मिरर फार्मूला के बारे में भी हमने कुछ डिस्कशन किया था ओके आई होप आपको लाइट के सारे प्रिवियस वीडियोज क्लियर हो गए होंगे एंड यस yes, अगर आपको ये लेक्चर कंटिन्यू करना है देन आपको पहले के जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो देखने होंगे बिकॉज फिजिक्स में हमने पहले भी बोल बोला था आज भी बोलते हैं कि फिजिक्स में सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं ओके okay. अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कीजिए फर्स्ट सेकेंड एंड ये थर्ड है ओके सो कंटिन्यू करिए वन बाय वन ओके एक सीरीज़ फॉर्म में डायरेक्टली अगर आप आ जाएंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा ओके आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं एंड प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स इस चैनल के प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं सो यू कैन वॉच ऑल दिस वीडियोज़ ओके तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी द साइन कन्वेंशन मैग्निफिकेशन एंड आल्सो वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द साइन कन्वेंशन सो एक्चुअली दिस टॉपिक इज वेरी important फॉर द एग्जाम purpose एज वेल एज न्यूमेरिकल purpose ओके okay, अगर आपने ये टॉपिक क्लियर नहीं किया दैन आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे ओके okay, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है क्रिस्टल क्लियर है तो आप इस चैप्टर के लाइट चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स को इजीली डील कर सकते हैं ओके okay. तो आई होप आप कॉन्सेंट्रेट होके ये लेक्चर सुने ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए ओके सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ द ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज टेकन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर ओके मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा मिरर कोई भी हो कॉनकेव मिरर हो, हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो किसी भी कंडीशन में किसी भी मिरर में ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा लेफ्ट साइड में ओके okay. ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती है बट ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा ओके सो फर्स्ट पॉइंट विल बी क्लियर सेकेंड वन इज ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ओके मीन्स अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए ओके okay. तो सारी जो डिस्टेंस है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से मेज़र होंगी एंड दैट पॉइंट विल बी द पोल ओके पोल से सारी चीज़ें आपको मेज़र करनी है ओके okay, हम जैसे जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है यू ओके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आपको जानना है तो ऑब्जेक्ट का कहाँ से कहाँ तक आप मेज़रमेंट लेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप किस तरह से बता पाएंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में एक्चुअली पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ओके okay. अब हमारा अगर ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना है देन अब हम, हम इस बी डैश पॉइंट से पी तक का जो डिस्टेंस है वो मेज़र करेंगे एंड दैट विल बी योर इमेज डिस्टेंस ओके आई होप क्लियर है एंड यस कॉन्क् मिरर में जो फोकल लेंथ होगी एंड एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो आपको लेफ्ट साइड में होता है ओके okay? ये तो सब हम जानते ही बट बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द फोकल पॉइंट एफ एंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी द राइट साइड ओके मिरर के राइट right साइड में होता है कॉन्वेक्स मिरर में तो वहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएगी ओके तो सेकंड पॉइंट यहाँ तक क्लियर है अब हम हाँ बात करते हैं थर्ड पॉइंट की थर्ड पॉइंट में ये है कि अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड में है या राइट right साइड में ट्रेवल करता है जैसे आपने अभी बोला कि ऑब्जेक्ट हमेशा इस पोजिशन पर या मिरर के लेफ्ट साइड में रहेगा ओके तो लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंसेस हैं वो हम किस तरह से लें हम पॉजिटिव लें उनको या नेगेटिव लें ओके और मिरर के राइट right साइड में डिस्टेंस को आपको पॉजिटिव लेना है या फिर नेगेटिव लेना है ये एक क्वेश्चन मार्क है ओके okay. तो इस क्वेश्चन का आंसर इस पॉइंट थ्री में आपको मिल जाएगा ओके okay. तो सिंपल सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा राइट right साइड में है मीस ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी डिस्टेंस आप मेजर करना चाहते हैं तो राइट right साइड में जो भी चीज़ें हैं मिरर के राइट right साइड में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट इमेज या फिर जो भी आप डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं उनको आपको पॉजिटिव लेना है और मिरर के लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव डिस्टेंस मेज़र करेंगे ओके okay. और एक और चीज़ है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे जो है वो हमेशा इस तरह से इंसिडेंट होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा हुआ है मिरर के तो यह, यही यहीं से होगी ना इंसिडेंट इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वो तो यही होगी तो आप सिंपली ये भी इस पॉइंट को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इंसिडेंट रे जो है उसकी डायरेक्शन में आप जो भी डिस्टेंसेस लेंगे दैट विल बी द पॉजिटिव ओके और इंसिडेंट रे के अपोजिट या फिर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस आपको लेना है नेगेटिव ये बात क्लियर है मीन्स देखो कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां है तो आप डिस्टेंस पी से इसी डायरेक्शन में मेजर करेंगे और ये डायरेक्शन कैसा है अगेंस्ट इंसिडेंस रे ओके मीन्स इंसिडेंट रे जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगी बट अगेंस्ट इंसिडेंस रे ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में है तो पोल से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इस तरह से आपको मेजर करनी होगी एंड ये जो हम लेंगे दैट इज द नेगेटिव डिस्टेंस ओके और पोल के राइट right साइड में जो भी चीजें हैं वो क्या है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे ओके तो वो सारी चीजें हमको पॉजिटिव लेनी है आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा एंड लास्ट पॉइंट फोर्थ इज़ ऑल द डिस्टेंस अबउ द प्रिंसिपल एक्सिस आर कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव ओके मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की सारी चीजें आपको ऑब्जेक्ट की हाइट जो है या साइज जो है वो आपको पॉजिटिव लेनी है एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आपको सारी जो वैल्यूज़ है हाइट है वो नेगेटिव लेनी है ओके okay, तो हमने इस साइन कन्वेंशन में चार पॉइंट्स स्टडी किए हैं फर्स्टली क्या है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा तो ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा जो भी यू की वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव ही लेना है आपको ओके देन अगेन सेकेंड पॉइंट क्या था कि सभी डिस्टेंसेस ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ओके एंड द थर्ड वन इज द डिस्टेंसेस कंसिडर इन द इंसिडेंस रे विल बी पॉजिटिव एंड अगेंस्ट द इंसिडेंट्स रे इट विल बी द नेगेटिव ओके एंड द फोर्थ वन इज हाइट अबोव पॉजिटिव एंड बिलोव नेगेटिव ओके तो ये चारों पॉइंट से आई होप आपको ये चारों क्लियर हुए होंगे ओके क्योंकि इसी के बेसिस पर हम आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैग्निफिकेशन चलिए नेक्स्ट पॉइंट विल बी द मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो मैग्निफिकेशन एक्चुअली एक छोटा सा फॉर्मूला है एंड इट इज डिनोटेड बाय एम एंड एम इज इक्वल टू एच डैश बाय एच और इट इज आल्सो इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू हियर एच डैश इज़ द हाइट ऑफ इमेज एंड एच इज़ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी इज द इमेज डिस्टेंस ओके फ्रॉम द पोल एंड यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओके ये सारी चीजें क्लियर है तो एक ये सिंपल सा फॉर्मूला है आपका मैग्निफिकेशन का जो कि आपको लर्न करना है और वी कैन से मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एज वेल एज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओके करना है और इसी के साथ में आपने मेरर फॉर्मूला तो स्टडी किया हुआ है वन बाय वी प्लस वन बाय ज इक्व टू वन बाई एफ ओके तो ये फॉर्मूलेस और ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं ओके okay. तो चलिए सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपके पास अ कॉन्वेक्स मीर यूज फॉर अ रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ थ्री मीटर इफ अ बस इज लोकेटेड एट फाइव मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजिशन एंड नेचर एंड आल्सो साइज ऑफ द इमेज ओके तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज इन दिस वे ओके ये कॉन्वेक्स मिररर है एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज that that point is the center of curvature and the distance between the pole and center of curvature it is called the radius of curvature okay and it is going to be 3 meter okay first of all you have to write all the given data in this question okay so the radius of curvature r will be 3 meter okay and द बस इज़ लोकेटेड एट फाइव मीटर फ्राम दिस मिररर मीन्स मिररर के सामने जो बस है बस मीन्स एक ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज़ द फाइव मीटर सो यू विल बी फाइव मीटर और हमेशा हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया है कि अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको नेगेटिव लेना है सो यू इज द माइनस फाइव मीटर ओके एंड आर तो आपका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो राइट right साइड है सो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो पॉजिटिव होगा ओके okay, अब आपको बताना है पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास रेडियस है तो आप फोकल लेंथ को इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस का हाफ होता है तो रेडियस जितना है उसका हाफ कर दीजिए आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगा सो द इज इक्वल टू द ट्वाइस एफ और वी कैन से एफ इज इक्वल टू आर बाई टू हियर पुट द वैल्यू ऑफ आर सो आर इज थ्री एंड बाय टू देन द फोकल लेंथ विल बी द थ्री बाय टू मीटर ओके नाउ वी हैव टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस सो वी कैन यूज मिररर फॉर्मूला ओके सो अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला दैट इज वन बाय वी प्लस वन बाय यू इज इक्वस टू वन बाय एफ ओके हेयर पुट ऑल दिस वैल्यूज यू एज वेल एज एफ सो वन बाय वी इज इक्वस टू वन बाय एफ एंड ये पॉजिटिव है इक्वल के इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ओके okay? अब आपको सारी वैल्यूज़ को पुट करना है सो so, f की जो वैल्यू है दैट इज़ थ्री बाई टू ओके एंड वन बाई u, सो so, u विल बी योर माइनस फाइव दैन माइनस फाइव वोट करेंगे सो टू बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव ओके यहाँ पे आपको एल्सीयम लेना है तो एल्सीम आएगा फिफ्टीन ओके देन आपको कैलकुलेट करना है सो टेन थ्री फाइव सा फिफ्टीन एंड फाइव इंटू टू दट इज टेन ओके टेन प्लस एंड फाइव दट इज द फिफ्टीन सो थ्री टेन प्लस थ्री दट इज दर्टीन बाई फिफ्टीन ओके सो वी विल बी फिफ्टीन बाई थर्टीन एंड इसे आप कैलकुलेट करेंगे सो so, आपके पास आंसर आ जाएगा वन पॉइंट वन फाइव ओके वन पॉइंट वन फाइव आपका कैलकुलेशन के बाद यह आंसर हो जाएगा ओके okay. यहाँ देखिए आप V की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है वो कहाँ है राइट right साइड में ओके इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ है राइट right साइड में और इमेज जब राइट right साइड में फॉर्म होती है तो दैट विल बी द वर्चुअल एंड इरेक्ट ओके मीन्स जो इमेजनरी लाइन्स हैं उनके थ्रू उनके इंटरसेक्शन के थ्रू आपको इमेज फॉर्म होती है एंड कैसी होती है वो इरेक्ट होती है स्ट्रेट होती है सो योअर इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट ओके नाउ द साइज ऑफ इमेज सो साइज ऑफ इमेज के लिए हमारे पास एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है बस वही हम यूज करेंगे एंड दैट इज द एम इज इक्वल टू एच डिश बाई एच और वी कैन से माइनस वी बायू फुट द वैल्यू ऑफ वी एज वेल एज यू ओके देन एच डैश बाई एच इज इक्व टू माइनस वी एस प्लस वन पॉइंट वन फाइव एंड यू एस माइनस फाइव ओके इसे आप कैलकुलेट करेंगे वन पॉइंट वन फाइव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओके एंड योर आंसर विल भी अप्रोक्स जीरो पॉइंट टू थ्री एंड देट विल बी द पॉजिटिव दैट इज द एच डैश बाई एच अब आपको चाहिए साइज ऑफ इमेज सो साइज ऑफ इमेज एच इक्वल टू जीरो पॉइंट टू थ्री इंटू एच मीस ऑब्जेक्ट की साइज को आप जीरो पॉइंट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल बी द योर साइज ऑफ इमेज ओके आपका इमेज का साइज आ जाएगा एंड इमेज साइज एंड इमेज साइज इज पॉजिटिव इसका मतलब क्या है कि आपका जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अब फॉर्म हुआ है ओके आई होप इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओके क्वेश्चन नंबर सेकेंड एन ऑब्जेक्ट फोर सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ लेंथ फिफ्टीन सेंटीमीटर ओके तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको जो भी गिवन डेटा है पहले तो वो आपको नोट डाउन कर लेना है ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी रहे ओके सो फर्स्ट एन ऑब्जेक्ट फोर सेंटीमीटर इन साइज सो द हाइट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज फोर सेंटीमीटर ओके इस प्लेस्ड एट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कौनकेो मिररर तो कौनकेो मिररर आप यूज कर रहे हैं तो कौनकेो मिररर में फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये दोनों क्या है लेफ्ट साइड में होते हैं तो सारी जो डिस्टेंसेस हैं आर एंड स्मॉल एफ ये क्या हो जाएंगी नेगेटिव ओके okay. ये लेफ्ट साइड में है तो ये नेगेटिव और ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव रहता है क्योंकि ये लेफ्ट साइड में होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज प्लेस्ड एट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्क्व मिरर मींस कॉन्क्व मिरर के ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर सामने जो है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओके okay. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी यू इज इक्वस टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एंड इट इज नेगेटिव ओके एंड फोकल लेंथ सो एफ इज इक्व टू स्मॉल एफ इज इक्व टू फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड इट इज आल्सो नेगेटिव इट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑबटेन अ शार्प इमेज फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज सो so, आपको फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस ओके एंड साइज ऑफ इमेज भी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिरर फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना है अगेन बी आपको फाइंड करना है सो इन मिरर फॉर्मूला वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वस टू वन बाई एफ़ ओके सो वन बाई वी इज इक्वस टू वन बाई एफ एंड ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ओके okay. यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करनी है वन बाई वी इज इक्वल्स टू फोर एफ इट इज़ माइनस फिफ्टीन एंड फॉर यू इट ऑल्सो माइनस ट्वेंटी फाइव ओके माइनस ही होगा सो माइनस माइनस विल बी प्लस एंड द एल्सीयम विल बी सेवेंटी फाइव ओके सो फिफ्टीन फाइव सा 75 and it is minus and yes plus 3 so minus 2 by 75 that will be equals to 1 by V so V is equals to 75 by 2 minus me and uh, it is 37.5 centimeter ओके okay. स आपके पास जो वी आया वी की जो वैल्यू है दैट इज़ माइनस थर्टी सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर मीन्स इमेज डिस्टेंस ये है ओके okay. और ये माइनस में है मीन्स आपका जो इमेज है वो राइट साइड में बनेगा और राइट साइड में अगर इमेज फॉर्म होता है सो दैट विल बी द रियल इमेज एंड इन्वर्टेड तो नेचर जो है इमेज का क्या होगा रियल एंड इनवर्टेड ओके अब बात करें साइज की तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ यूज करना होगा एम इज इक्वल टू एच डैश बाई एच और ये जो है वो इक्वल होता है माइनस बी बाई यू के बस आपको सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट करनी है सो एच डैश आपको पता नहीं है एच जो है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा सो वी बाई यू मल्टीप्लाई बाई एच वैल्यूज पुट करिए फॉर वी इट इज माइनस थर्टी सेवन पॉइंट फाइव ओके एंड फॉर यू इट इज माइनस ट्वेंटी फाइव ओके एंड एच इज फोर तो सॉल्व करेंगे इसको तो सॉल्व करिए तो माइनस माइनस प्लस थर्टी सेवन पॉइंट फाइव एंड यस ट्वेंटी फाइव माइनस में है तो माइनस में ही आंसर आना है आपका ट्वेंटी फाइव एंड मल्टीप्लाई बाय फोर ओके ये पॉइंट से कैंसिल हुआ तो यहाँ जीरो पुट हुआ तो कैंसिल आउट करिए ट्वेंटी फाइव से डायरेक्टली ट्वेंटी फाइव वन सा तो टेन हुआ यहाँ एंड हियर ट्वेंटी फाइव वन

प्रिंसिपल एक्सिस इमेज कहाँ फॉर्म होगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ओके okay. तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर है ओके इंटेक्स क्वेश्चन सो इंटेक्स के हम ओनली टू ही क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में डील करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं ओके सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वैक्स हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज थर्टी टू सेंटीमीटर ओके मीन्स एक कॉन्वेक्स मिरर है आपके पास और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको थर्टी टू सेंटीमीटर गिवन है ओके सो आर विल बी थर्टी टू सेंटीमीटर एंड आपको फाइंड करना है फोकल लेंथ मीन्स एफ़ की वैल्यू को फाइंड करना है तो आर और एफ में रिलेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं आर इज रेडियस इज द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ओके और वी कैन से फोकल लेंथ इज़ हाफ ऑफ द Radius so F is equals to R by 2. Put the value of R so 32 by 2 and we have 16 centimeter So 16 centimeter is your answer and it is a focal length. Okay. So simple question. Hai. Is kuch nahi tha. Question number second: a concave mirror produces 3 times magnified and large. Okay. Magnified का मतलब होता है कि एन लार्ज ओके मतलब बढ़ा देना रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट टेन सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट वेयर इज द इमेज लोकेट मीन्स एक आपके पास कौन क्यों मिररर है और उसके सामने आपने एक इमेज रखा है टेन सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर मिरर के जस्ट सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि मिरर से टेन सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है क्यों मिरर ये कौन क्यों मिरर है आपका ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो टेन सेंटीमीटर है मीन्स यू आपका गिवन है टेन सेंटीमीटर ओके और यू क्या होगा नेगेटिव वैल्यू ऑफ यू नेगेटिव होगी अब कौन क्यो जो है वो थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड है मीन्स जो मैग्निफिकेशन है उसकी जो वैल्यू है आपके पास दैट इज़ इक्वल्स टू द थ्री ओके तो आपको एम के प्लेस पे क्या पुट करना है थ्री एम इज इक्वल्स टू होता ये है एच डैश बाई एच ओके एच डैश बाई एच देन एम विल बी थ्री सो थ्री इज इक्वस टू एच डैश बाई एच सो एच डैश इज इक्वल्स टू थ्री एच मीन्स एच डैश के प्लेस पे आपका क्या वैल्यू पुट करेंगे थ्री एच ओके जो इमेज की हाइट है वो थ्री टाइम्स होगी ऑब्जेक्ट हाइट के ओके थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड है मीन्स ये इस तरह से आपका आंसर मिला अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि आपको इमेज की डिस्टेंस बताना है इमेज की डिस्टेंस आप बताएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव ओके okay, तो आप बता पाएंगे कि वो किस तरह से है उसका नेचर क्या है तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन और इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कुछ रिलेशन होता है एंड दैट इज द एच डैश बाय एच इज इक्वल टू माइनस बी बाय यू ओके सो साइज ऑफ इमेज सो एच डैश बाय एच इज मल्टीप्लाई बाय यू एंड देन माइनस वी ओके एंड वी कैन

and three multiplied by ten so thirty and this will be plus ये पॉजिटिव इसका मतलब है कि इमेज आपका राइट साइड में मिलेगा ओके okay? आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो के एंड अगर किसी भी पॉइंट में किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट करिए मैं यही हूँ आपके सारे आंसर्स दूंगी ओके तो चलिए आज की क्लास को हम क्लोज करते हैं अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे ओके रिफ्रैक्शन इज द अनदर फिनोमिना ऑफ लाइट इट इज़ वेरी इंटरेस्टेड फिनोमिना सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच